हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, वापस से स्वागत है सभी का। और ये है हमारे पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट, और इसके अंदर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ मनी एंड बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2022 के, 21 के, 20 के और 19 के, टोटल चार पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास कोई और भी पेपर्स हैं तो मुझे व्हाट्सएप करो या फिर टेलीग्राम पे शेयर करो, मैं जरूर से जरूर उस पर डिटेल एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ उसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा। सो मैं मानकर चलता हूं तुमने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जहां पे मैंने इंश्योरेंस के सारे क्वेश्चंस को तुम्हारे सामने रखा था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ क्या, बेसिकली मैं बताऊंगा मनी एंड बैंकिंग की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर मैं तीन चीजें को लेकर चलूंगा, करेंसी एंड बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग एंड बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेशन। बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेशन, ये जो तीन अलग अलग चैप्टर्स तुम्हारे सीयूईटी सिलेबस में दे रखे हैं, तो तीनों को मैं एक जगह मर्ज करके नाम दे रहा हूं मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तुम्हें भी परेशानी नहीं, मुझे भी परेशानी नहीं। मैं जब कोर्स की वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा था तो उसमें भी मैंने कुछ इसी प्रकार से चीजों को कवर करवाया है। तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने एक साथ लेकर चला है, सिलेबस को झूठ का फालतू का ब्रॉड दिखाया गया है। एक्चुअल में सिलेबस तुम्हारे ब्रॉड है नहीं, एक ही सब्जेक्ट्स को तीन पार्ट में बांट देना दैट इज नॉट अ सिलेबस पार्ट, बेसिकली वो एक ही पार्ट है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है 2022 का। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बात की गई है आरआरबी की, दैट इज रीजनल रूरल बैंक। क्या बोला गया है कि रीजनल रूरल बैंक के जो शेयर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक जो होते हैं, उनके द्वारा क्या सब्सक्राइब, कितने परसेंटेज के फॉर्म में या कितने रेशियो के फॉर्म में सब्सक्राइब किए जाते हैं। तो ऑप्शन है 50, 25, 15, 50, 15, 35, 40, 30 and 30 and the last one is 40, 40 and 20, कुछ इस प्रकार से रेशियो में। तो अगर तुमने रीजनल रूरल बैंक का पढ़ रखा होगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीजी, एसजी और स्पॉन्सर बैंक की, तो सीजी की बात करूँ तो सीजी का जो रेशियो होता है वो 50% होता है या 50 होता है कह सकते हो। एसजी की अगर बात की जाए तो 15 होता है और स्पॉन्सर बैंक का 35 होता है। तो इस हिसाब से तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, और एक्चुअल में भी वही सही उत्तर है अगर तुमने आरआरबी के बारे में पढ़ रखा होगा तो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वर्ड, तो एग्रीकल्चर वर्ड जो जैसे ही आए समझ लो बात हो रही है नबार्ड की, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो नबार्ड की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी फटाफट करवाऊंगा, तुम्हारे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट ऑफ कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा असेट नहीं है कमर्शियल बैंक का। तो जो बेसिक सी बात है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज असेट होगा, कैश जो भी आरबीआई के पास रखा गया है वो भी होगा, और आपने जो भी कस्टमर को अपने पैसे दे रखे हैं वो भी होंगे आपके एसेट्स के अंदर। एसेट्स क्या नहीं होगा, तो आंसर इज डीडी, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेट फंक्शन, इनमें से कौन सा एसेट फंक्शन है मनी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेट फंक्शन ऑफ मनी, तो राइट आंसर इज स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, बेसिक है, देखो जहां पे एक्सप्लेन करना होगा मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे फालतू का मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, खुद का भी और तुम्हारा भी, क्योंकि मुझे भी पता है ये सारी चीजें तुम्हें पता होंगी और इसमें कंसेप्ट की नीड ही नहीं है। कहीं ना कहीं चीजें तुम्हें यहाँ पे सिंपली क्या करनी है, रटनी है, और बेसिकली बेसिक सिंपल क्वेश्चन है तो आराम से इसको आंसर कर दोगे। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना है, मतलब हमारे इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी या आरबीआई क्या करेगी। सबसे पहले देखो ऑप्शंस है कि बैंक रेट बढ़ाएगी और सीआरआर बढ़ाएगी, दूसरा बैंक रेट बढ़ेगी सीआरआर घटना है, तीसरा क्या है बैंक रेट कम कर देंगे और सीआरआर क्या करेंगे बढ़ा देंगे, बोथ बैंक रेट एंड सीआरआर शुड बी इंक्रीज। सबसे पहले बताओ व्हाट इज सीआरआर, सीआरआर क्या होता है, ये वो रेशियो है जहां पे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास पैसे रखने होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ज्यादा पैसे रखेगी तो कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा, अगर कम पैसे रखेगी तो वो पैसे वो इकोनॉमी में भेजेगी, तो सबसे पहले बात सीआरआर इंक्रीज करने की बात ही नहीं होगी, तो बेसिकली सीआरआर को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट की अगर बात की जाए, आई होप तुम्हें चीजें विजिबल होंगी, चलो मैं इधर लिख ले रहा हूँ। बैंक रेट की अगर मैं बात करूँ तो बैंक रेट क्या होता है, ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आम जनता को पैसे देती है। अगर बैंक रेट एक मिनट हाँ अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो
जनता को जो लोन है वो लोन महंगी पड़ेगी और वो लोन लेने से पीछे हटेंगे। तो महंगा लोन दोगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में सप्लाई नहीं बढ़ेगा, लोन लेंगे ही नहीं तो इकोनॉमी में पैसे कहाँ से आएगी। तो इस केस में दोनों ही चीजों को हमें क्या करनी होगी, डिक्रीज, चाहे वो CRR हो चाहे वो बैंक रेट हो, दोनों ही चीजों को हमें डिक्रीज करनी होगी, तब हम जाकर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा पाएंगे। अब आ जाते हैं 2021 के क्वेश्चन पे, क्या पूछा गया है यहाँ पे। रीजनल रूरल बैंक RRB जो है ये किस आइडियल को फॉलो करती है, ठीक है, किस आइडियल्स को फॉलो करती है। तो ऑप्शन है, ये काम करती है इनोवेटिव और एडप्टिव आइडियल्स पे, नहीं, किसी टारगेटेड ग्रुप्स को मदद करती है, कीप लेंडिंग रेट्स लोअर देन द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन और वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो देखो RRB की अगर मैं बात करूँ तो ये किस एरिया में है, रीजनल एरिया, रीजनल रूरल एरियाज में है। तो बेसिकली एक टारगेट ग्रुप को मदद कर रही है, रूरल ग्रुप्स को, ठीक है, गांव वाले एरियाज को ये टारगेट कर रही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, द ऑप्शन इज आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा एक एसेट नहीं है जो कि कमर्शियल बैंक के द्वारा हेल्ड किया जाता है। तो इसका आंसर होगा करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सिंपल क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, अच्छा थोड़ी देर पहले क्या बात हुई थी कि मनी का सप्लाई बढ़ाना है, अब मनी का सप्लाई क्या करना है, घटाना है। तो मनी का सप्लाई जब बढ़ाना था तब हम क्या करते थे, CRR घटा देते थे और बैंक रेट घटा देते थे। अब हमें मनी का सप्लाई क्या करना है, कंट्रोल करना है, मतलब मनी का सप्लाई कम करना है। तो इस केस में अपोजिट होगा, इट मींस CRR भी बढ़ेगी और बैंक रेट भी बढ़ेगी, समझ पा रहे हो ना। अगर CRR बढ़ जाएगी, अगर RBI के पास आप बैंक कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा रखना होगा तो जो आम जनता के पास है पैसे वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ज्यादातर पैसे तो RBI के पास चली गई। वहीं अगर बात करूं बैंक रेट की, अगर कमर्शियल बैंक रेट बढ़ा देती है तो आम जनता लोन लेना कम कर देगी और अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई होगी ही नहीं। तो इस सिचुएशन में CRR को भी हमें बढ़ाना होगा और बैंक रेट को भी बढ़ाना होगा, समझ पा रहे हो उस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का ही है। ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर मनी एंड बैंकिंग से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो बैंक्स कैन अवेल रीफाइनेंस्ड अगेंस्ट लोन्स मेड टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम, क्या बोला गया है, बैंक्स जो होती हैं वो रीफाइनेंस लोन्स के अगेंस्ट ले सकती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, मतलब बात हो रही है इंडस्ट्रियल यूनिट्स। कौन सी बैंक यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए काम करेगी, तो द राइट आंसर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ तो IDBI, ये जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, रिपीट हो रहा है पास्ट ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे, आंसर इज करेंट अकाउंट डिपॉजिट। विच ऑफ दिस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज प्राइमरली सेट अप फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, दैट इज MSME इंडस्ट्री। तो कौन सी यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज DFI, जो कि MSME के लिए काम करती है, द आंसर इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से समझ आ रहा है स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डैश इज मैंडेटरी रिजर्व्स टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आंसर क्या हो जाएगा, CRR हर एक कमर्शियल बैंक को RBI के पास मेंटेन करना होता है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इतने आसान क्वेश्चन 2020 में पूछे जाते थे देख लो, लेकिन मानकर चलो 2022 में तुम लोग 23 में एंट्रेंस देने जा रहे हो तो लेवल्स बढ़े हुए तुमको मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NABARD जो कि एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है कंसर्न्ड विद द पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डैश एक्टिविटी। तो NABARD के मैंने बारे में तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जैसे ही NABARD की बात आए या फिर जैसे ही एग्रीकल्चर की बात आए तुम्हें किस पे हिट करना है, तो NABARD पे हिट करना है, ठीक है। तो राइट आंसर इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द डेवलपमेंट बैंक, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट बैंक के अंदर नहीं आता। तो ये तो तीनों है ये डेवलपमेंट बैंक में आती है, लेकिन वही बात करूं फॉरेन बैंक की तो ये DFIs के अंदर नहीं आती है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन पूछ लिया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। एक्ट स्टिपुलेट्स द मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी में जो ये मिनिमम कैपिटल होता है ना, ये किस सेक्शन में बात की गई है, तो ये सेक्शन 11 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इसको एक बार देख लेना,
अब ज्यादा क्वेश्चंस रहा नहीं है, तो और भी कुछ गिने चुने ही क्वेश्चंस रह गए, उसको भी हम लोग यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। एक मिनट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा किसे कहा जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन आरबीआई का, ये हमारे बीकॉम एंट्रेंस में पूछा जाता था। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, जब सब कमर्शियल बैंक के पास पैसे खत्म हो जाती हैं तो वो किसके पास जाती हैं, आरबीआई के पास जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्राइम एम ऑफ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, फिर से क्वेश्चन उसी टाइप्स में रिपीट हुआ है, इसका प्राइम एम क्या होता है, किन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना, एमएसएमईज को प्रोवाइड करना, कुछ एक से दो क्वेश्चन पहले ही हमने ये डिस्कस किया था अभी। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, डिमांड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मेजर ऑफ वैल्यू होता है, कौन सा नहीं होता है, द ऑप्शन इज सी, मेक डिमांड एंड सप्लाई इक्वल, ऐसा कोई भी फंक्शन मनी का तो नहीं होता है मुझे जहां तक मालूम है। अ सेविंग अकाउंट इज अ बैंक रिप्रेजेंट्स द डैश फंक्शन ऑफ मनी, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में क्या करते हो, पैसे स्टोर करते हो ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हेन डिड द गवर्नमेंट इंडिया सेटअप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो एक्सिम बैंक को सेटअप किया गया था जनवरी 1982 में, कौन से मंथ में, जनवरी 1982 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाबार्ड यहाँ पे कौन सा एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, तो ई शक्ति है, बेसिकली तुम्हारे करंट सिनेरियो से रिलेटेड था 2019 के वक्त, ठीक है, तो ई शक्ति स्कीम लॉन्च किया गया था ये। हु विल एक्ट एज द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये चीज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी ही चीजें आरबीआई होती है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक होती है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आरबीआई, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे तो कुछ रहा नहीं है, टोटल इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं प्रॉपर एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट रुक सकते हो तुम लोग क्लास में, और एनालिसिस की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे तुम्हारे पास 4 से 5 क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं, ठीक है, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं टोटल मनी एंड बैंकिंग में, 3 सब्जेक्ट से 4-5 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, तो इस चीज को प्रॉपरली अच्छे से कर लेना। क्वेश्चंस के टाइप्स बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल रखे जा रहे हैं। तुम्हारे लिए क्या होमवर्क रहेगा, अभी तक मैंने जितने भी बैंक्स देखे तुम उसके चेयरमैन कर लेना, एस्टैब्लिशमेंट डेट्स कर लेना, कोई भी अगर एक्ट्स होगा तो वो देख लेना, और थोड़े बहुत कंसेप्ट CRR SLR करंट सिनेरियो वाला जो भी होगा इन सबको रिकॉल कर लेना, ठीक। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या फिर किसी और भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे से इंटरेक्ट करो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे कमेंट का जवाब दूं, और जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे मैं उसको सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं या कोई रिक्वेस्ट है तो तुम वो भी पुट अप कर सकते हो, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।